وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله مولانا العظيم. جميع حاضرين مكرم، سامعين محترم، معزز شركائے مجلس درس قرآن، سلسلہ وار درس تفسیر کے تحت جس آیت مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی بیزارگی ظاہر کریں گے جن کی پیروی کی گئی، ان لوگوں سے بیزارگی ظاہر کریں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ سب مل کر عذاب کو دیکھ لیں گے، اور وہ ایسا موقع ہوگا کہ ان سے سارے اسباب، سارے تعلقات از خود ٹوٹ جائیں گے، اور پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے لیے دنیا میں جانے کا ایک موقع دیا جاتا ہے تو ہم ان لوگوں سے ایسے ہی براءت اور بیزارگی کا اظہار کرتے جس طرح یہ لوگ آج ہم سے بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ان کے اعمال کو ان کے اوپر حسرتیں بنا کر لاتا ہے اور دکھاتا ہے، اور یہ ایسے بدبخت ہوں گے جو دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی بہت ساری بڑی اہم باتیں اس میں بیان فرمایا ہے. دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی کی بات مانتا ہے، کسی کے پیچھے چلتا ہے، کسی کی سنتا ہے. پھر دوسرا وہ طبقہ ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے، جو مقتدا بنتے ہیں، پیشوا بنتے ہیں، پھر لوگوں سے اپنی اتباع کراتے ہیں. تو ایک پیروی کرنے والے لوگ ہیں اور دوسرے پیروی کیے جانے والے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جن لوگوں کی پیروی دنیا میں کی جاتی تھی اور پیروی کرنے والے لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، تو پیروی کس لیے کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ہمارے سردار ہیں، بڑے ہیں، بھائی ہمارے سیٹھ ہیں، مالدار ہیں، سردار ہیں، بڑے طاقت والے ہیں، تو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، ہاں میں ہاں ملاتے تھے، ان کی باتوں پہ عمل کرتے تھے. لیکن وہ جو باتیں ہوتی تھیں وہ اللہ اس کے رسول کو دکھ دینے والی ہوتی تھیں، اور اللہ رسول کے خلاف. تو اللہ رسول کے خلاف گمراہ کن باتیں جب وہ کرتے تھے
तो लोग उनकी बातों में हाँ मिलाकर उनकी पैरवी करते थे, बातों को मानते थे। तो जब क़ियामत का दिन होगा तो उस वक्त यही बड़े बने हुए लोग जिनकी पैरवी की जा रही थी गुमराही की बातों में, तो वो लोग अपने पैरवी करने वालों से बेजारगी जाहिर करेंगे कि हम तुमको नहीं पहचानते। तो पलट के पैरवी करने वाले लोग कहेंगे कि तुम ही है जो हमको बिगाड़े, तुम्हारे अपने कहने पर ही हम गुमराही के रास्ते पे चल पड़े, दुनिया के अंदर तुम हमको सत्यानाश कर दिए, तुम्हारी बातों पे अमल करने की वजह से तो आज ये नौबत आई। आज तुम कहते हो कि हमसे तुम्हारा तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो आज इनकार करते हो। दुनिया में हमारी हमसे पैरवी कराते थे, ज़बरदस्ती मनवाते थे कि ऐसा करो, फिर हम भी हौले शोले होके तुम्हारी बात में आ जाते और बातों को मानते थे। तो ये मिजाज कुफ्फारे मक्का और मुशरिकीन मक्का का था। ये बात याद रखें कि हर आदमी लीडर नहीं होता, हर आदमी हाकिम नहीं होता, हर आदमी बादशाह नहीं होता। उसमें से चुनिंदा चंद लोग होते हैं, बड़े होते हैं, जो बड़ाई का किरदार अदा करते हैं, बाकी पूरे के पूरे लोग उनके पीछे चलने वाले लोग होते हैं। तो कुफ्फारे मक्का में भी अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा, बड़े बड़े जो कुफ्फार थे, तो वो लोग अपने दूसरे मातहत लोगों से जिनका रोब और दबदबा नहीं था, जो पिसे हुए लोग थे, उनसे अपनी पैरवी कराते थे। पैरवी इस सिलसिले में कराते थे कि तुम इस नबी की बात के पीछे ना जाओ, हम जो कह रहे हैं उसको मानो और ये कहो, फिर इसी अकीदे पे मरो कि 360 खुदा हैं। ये जो अल्लाह एक अल्लाह की बात कर रहे हैं इनके पीछे मत जाओ, ये अल्लाह के रसूल होने का दावा कर रहे हैं तो ये अल्लाह के रसूल नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। तो इस तरह ये लोग बरगलाते थे लोगों को, फिर वो लोगों से अपनी पैरवी कराते थे, इत्तेबा कराते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मंज़र, वो सीन यहाँ इस आयत में खींच रहा है कि दुनिया में तो बड़े मज़े से लोगों की पैरवी कराते थे, फिर हक़ के रास्ते से लोगों को रोकते थे, लोगों को डरा धमका के, पैसे के लालच से, हिर्स का के रास्ते पे चलाकर लोगों को रोकते थे कि इस्लाम के पीछे ना जाओ, नबी की बात के पीछे ना जाओ, हक के रास्ते की तरफ ना जाओ, कुरान की ना सुनो, एक अल्लाह की बात के पीछे ना जाओ। तो जब मैदान क़ियामत होगा तो पैरवी करने वाले लोगों को और जिनकी पैरवी की जा रही थे बड़े बने थे, उन लोगों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाएगा। आमने सामने खड़ा करके अब पैरवी करने वाले लोगों से पूछा, कहा जाएगा, ये जो आपके बड़े थे ये अब जहन्नम में जा रहे हैं, चलो इनके पीछे सीधा तुम भी इनकी पैरवी में चले जाओ। तो वो जो पैरवी करने वाले लोग थे वो कहेंगे, हम इनकी बातों में आ गए थे, हम तो बड़ा किरदार अदा नहीं किए थे, हम सिर्फ इनके भटकावे में आ गए थे, इनकी बातों में आ गए थे, तो हमने इस तरह इसकी पैरवी की और अल्लाह उसके रसूल का इनकार कर दिया, हमारी क्या गलती है। तो उस वक्त बराबर इन दोनों का संगत नहीं छूटेगा, लेकिन वो जो इत्तेबा करने वाले लोग थे, पैरवी करने वाले लोग, उनको जाना तो अब जहन्नम में इनके पीछे है ही है। जब ये बात तय हो जाएगी, फिर उनको यकीन कामिल हो जाएगा कि इनके पीछे हम जहन्नम में जाने वाले, तो उस वक्त कोसते हुए पैरवी जिनकी की जा रही थी, बड़े बने थे, रुआसा, सरदार, उनको वो पैरवी करने वाले लोग कहेंगे, तुम्हारी वजह से हम गुमराह हो गए, तुम्हारी वजह से आज जहन्नम में जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से आज हम जहन्नम के गड़े पे पहुंच गए, तुम्हारी वजह से अल्लाह की नाराज़गी मोल लिए, तुम्हारी वजह से हमारे पूरे आमाल बर्बाद हो गए, पूरी आखिरत बर्बाद हो गई। तो ये सुनकर वो मुख्तदा बने हुए लोग, बड़े लोग कहेंगे कि हम तुमको पैरवी करने के लिए नहीं बोले थे, झूठ बोलेंगे। फिर उसके बाद दोनों में कश्मकश होगी, जहन्नम में जाने से पहले कश्मकश है उन लोगों के दरमियान जिनकी पैरवी की गई और उन लोगों के दरमियान जो पैरवी करने वाले थे, दोनों में झगड़ा होगा। तो झगड़ा जब होगा, दुनिया में तो मजबूत ताल्लुकात थे दोनों के दरमियान। याद रखें कि शरीर जो होते हैं ना, शरीर तबका,
शरीर तबका चाहे कितने ही इख्तलाफ आपस में क्यों ना हो, दुनिया में उनका गठजोड़ मजबूत होता है, किसी न किसी नुक्ते पर वो मजबूत हो जाते हैं। शरीर शरीर एक कौम बनते, एक मिल्लत बनते, मजबूत ताल्लुकात थे दुनिया में। छोटे मोटे इख्तलाफात भी थे नज़रअंदाज करके, ये पैरवी करने वाले लोग अपने बड़ों की बात मानते थे, उन्हीं के पीछे चलते थे। तो अशरार का टोला अगरचे बाज एतबार से नजरियाती इख्तलाफात रखता हो, बाज एतबार से मशवरे के इख्तलाफात रखता हो, बाज एतबार से राय का इख्तलाफ रखता हो, लेकिन उनके अंदर गठजोड़ रहता है, फिर वो किसी ना किसी नुक्ते पर असल बुनियाद पर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो इस तरह मुस्तहकम उनकी दोस्तियां दुनिया में थी। तो वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये जो मजबूत दोस्ती दुनिया में शरारत की बुनियाद पर थी, वह तकत्तअत बिहिमुल असबाब, वो सारी दोस्तियां, सारे असबाब, सारे जरिए, सारी चाहतें, सारे रिश्ते वहां पर उनके दरमियान में टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, उनके दरमियान में इफ्तराक इंतशार पैदा होगा। तो पैरवी करने वाले भी गए, पैरवी जिसकी किए वो भी चले गए, जहन्नम के अंदर जाएंगे। फिर उसके बाद यहां पे मैं बात वाज़े करते हुए आगे बढ़ूं कि बाज़ लोग अपनी खबीज ज़हनियत की बुनियाद पर इस आयत के तहत में इस आयत को ले जाकर अल्लाह के औलिया और औलिया की बात सुनने वालों से जोड़ते हैं। देखो, पैरवी करने वाले और जिनकी पैरवी की गई वो दोनों जहन्नम में जा रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, ये पैरवी करने वाले भी काफिर हैं, पैरवी जिनकी की जा रही है वो भी अबू जहल और अबू लहब की शक्ल के लोग हैं, वो भी काफिर हैं। तो यहां काफिरों और अशरार की बात हो रही है, तो इसको ले जाकर मोमिनीन और औलिया के साथ जोड़ना ये जुल्म है। क्यों? इसलिए कि देखे, पैरवी आदमी गलत की करता है तो गलत के साथ दोजख में जाएगा, ये बात खुली है कुरान में, मैं आगे आयत अर्ज करूंगा। जो आदमी जिसकी पैरवी करेगा वो उसके साथ रहेगा, गलत आदमी की पैरवी करेगा तो पैरवी करने वाला जिसकी पैरवी की गई दोनों दोजख में जाएंगे, अच्छे आदमी की पैरवी करेगा तो पैरवी करने वाला और वो अच्छा आदमी दोनों जन्नत में जाए। जिस पैरवी की यहां मजम्मत की जा रही है, इसी पैरवी के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, ऐ महबूबा फरमा दे इन लोगों से, अगर इनके दिल में मेरी मोहब्बत है तो मेरी पैरवी करें। तो पैरवी नबी की भी होती है, तो नबी की पैरवी महबूब है, नबी की पैरवी अल्लाह से मिलाने वाली है, नबी की पैरवी जन्नत में पहुंचाने वाली है। यह हो गई नबी की बात। बहुत सारी आयतें कुरान में, उन सारी आयतों को छोड़कर मैं एक नबी के बारे में ये जो आयत है ये अभी मैंने आपके सामने पेश की, ये पेश कर दी। फिर एक वलियों के बारे में भी आयत पेश करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाया, वत्तबिउ सबीला मन अनाबा इलै, यहां पैरवी करने वाले और पैरवी किए हुए दोनों दोजख में जा रहे हैं। तो इससे पैरवी करने का दरवाजा मुकम्मल बंद नहीं किया जा सकता। पैरवी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, हर चीज के अंदर ऐसा उंसुर है कि अच्छा था अच्छा तसव्वुर भी होता है हर चीज में, बुरा तसव्वुर भी होता है, बुरा तसव्वुर भी होता है। हुकूमत भाई अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। नमाज, नमाज इतनी बड़ी इबादत, ये अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। क्या बोलेंगे आप, नमाज बुरी नहीं होती? जिस नमाज में रियाकारी हो नमाज बुरी है। तो नमाज जैसी चीज भी अच्छी और बुरी है, तो इत्तेबा भी अच्छी और बुरी है। बुरों की इत्तेबा बुरी है, अच्छों की इत्तेबा अच्छाई है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाया कि वत्तबिउ सबीला मन अनाबा इलै, उन लोगों की पैरवी करो जो तुमको मेरी बारगाह तक ले आए, जो तुमको मेरी बारगाह तक खींच के लाने वाले हैं, मुझ तक पहुंचाने वाले हैं, तुम उनकी पैरवी करो। तो उनकी पैरवी करने से अल्लाह तक पहुंच रहा बंदा, किन की पैरवी करने से? जो अच्छा अच्छे बंदे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे। यहां बुरे लोगों की बात हो रही है, ये सितम है जमाने पर, जुल्म है।
कि बहुत सारी कुरान की आयतें जो बुतों के बारे में है, काफिरों के बारे में है, बाज लोग उसको मुसलमानों पर चिस्पा कर दे रहे हैं। वो औलिया पे ले जाके फिट कर देते, फिट करके बोलते देखो। परसों थोड़े दिन पहले की बात है, एक साहब बयान कर रहे हैं। वो साहब ना मदरसे के फारिग ना मकतब के फारिग, शायद उनको वजू करना भी बराबर आता नहीं मालूम। एक दुकान में बैठे हुए हैं, बयान कर रहे हैं। किससे क्या बयान कर रहे हैं? ये जो काफिरों के बुत हैं, काफिरों के ये जो बुत होते हैं ना, बुत शिर्क की अलामत, बुत मंदिरों में, तो ये जो काफिरों के बुत हैं ये लंबे मूर्तियां हैं। क्या बोले? लंबे मूर्तियां हैं। फिर ये औलिया के मजारात हैं, ये आड़े मूर्तियां हैं। कहां वो बुत और कहां मजारात? सीधे सीधा ले जाके उसको वलियों की मजारात से लगा दिए। अगर ये आड़े मूर्तियां हैं तो हदीस में आता है सरकार कौलैन ने फरमाया फजूरूहा, खबरों की जियारत करो। जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि उनकी जियारत करो, खबर पे मत बैठो, खबर का अदब करो, खबर की बेहतरामी ना करो। फिर आकाए कौनैन खुद शबे बरात में जन्नतुल बकी के कब्रस्तान की जियारत के लिए तशरीफ ले गए। तो खबरों को ये लोग, वो नया निकाले जुमला, आड़े मूर्तियां। मैं बोला तुम्हारी जात चपटे मूर्तियां। इस तरह मुआशरे में एक नासूर पैदा किया जा रहा है। बुतों की आयतों को ले जाके वलियों पे फिट, मोमिनों की बातों को ले जाके काफिरों की बातों को ले जाके मोमिनों पे फिट कर। अस्तग़फिरुल्लाह। जन्नतुल बकी में सुबह शाम जो जियारत हो रही, मूर्तियों की जियारत। थोड़े दिन पहले एक साहब ऐसे मेरे से ताल्लुकात, मतलब बातें बहुत होती हैं हमारी, तो एक साहब माज़ल्लाह कहने लगे कि सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, मैं गवाही भी पेश कर सकता हूँ। गवाही भी है शाह, गवाह भी है, यानी बदतमीजी दुनिया में बहुत हो रही है आज। अल्लाह रसूल का कोई मुकाम नहीं, वलियों का और नबियों का कोई मर्तबा नहीं। बदतमीजी का नाम दीनदारी रखे लोग, बदतमीजी का नाम दीनदारी। एक शख्स कह रहा है, कॉलेज का तालिब इल्म, अफसोस, वो कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था। तो उससे पूछा गया तुझे है? तो हाँ बोला, मेरे को इल्म है। कैसे मालूम? अल्लाह के नबी को नहीं था इसका सबूत क्या है, तेरे पास है उसका सबूत क्या है? तो बता के वो बोल रहा है कि मेरे पास बीए की डिग्री है, जबकि अल्लाह के नबी बीए किए हुए नहीं थे। ये बेबाकी, ये दीन है। ये अभी मौलाना फेरोज साहब जो फरमा रहे थे, ये सब चैनलों पे हो रहा है, इसका नाम दीनदारी है। आप बताइए ईमान से, मामूली बेअदबी बदतमीजी है अल्लाह के नबी की बारगाह में? मेरे पास बीए की सनद है, मैं अल्लाह के नबी से ज्यादा जानने वाला हूं, जबकि अल्लाह के नबी के पास बीए नहीं की सनद नहीं थी। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए मुस्तफा हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया है जो आप नहीं जानते थे। दोस्तों सनद डिग्री ये तसव्वुर ही मुस्तफा ने दिया है। सरकारे दो आलम ने तो इल्म की शमा लेकर दुनिया में जलवगरी फरमाई थी। तो इस तरह बेबाकियां बहुत बढ़ रहे, बहुत ज्यादा जुरतें, बेबाकियां, बेदबियां। सितम ये है कि उसका नाम इस्लामी खिदमत और दीनदारी, दीनदारी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अच्छे जो रिश्ते होंगे कयामत के दिन पायदार होंगे, मजबूत होंगे। अभी अच्छे रिश्तों की तासीर वहां काम आएगी।
چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتا ہے سوائے متقیوں کے سارے رشتے ختم ہو کر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن، سوائے متقیوں کے۔ تو اچھے لوگ وہاں پہ بھی اچھے رہے، بھائی اچھے لوگ وہاں پہ بھی دوستی میں کمال پیدا کریں گے، جو جس کے ساتھ اور جس کی پیروی میں ہوگا اس کے ساتھ وہ اشر ہوگا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وتبع سبیل من اناب الی، اے بندے تو اس بندے کی پیروی کر جو تجھے کھینچ کے مجھ تک لائے، جو میرا پتہ بتائے۔ تو یہ اولیاء اور صالحین، یہ صحابہ اور تابعین، یہ اللہ کے آپ کا پتہ بتانے والے لوگوں کا نام۔ تو ان کی اتباع پیاری ہے، ان کی اتباع مفید ہے، ان کی اتباع برکت والی ہے۔ تو یہ ان متبعین کی بات ہو رہی ہے جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، ان متبعین کی بات ہو رہی ہے جو کافروں کے پیچھے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان متبعین کی بات ہو رہی ہے جو ایکٹروں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ پیروی کرنے والے اور پیروی کیے ہوئے دونوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، رشتے وہاں ختم ہوں گے ان کے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الذین اتبعوا، پیروی کرنے والے تو تھے بہت سارے، پیروی کرنے والے لوگ تھے، تو وہ لوگ وہاں پہ کہیں گے افسوس کرتے ہوئے کاش ایک موقع دنیا میں جانے کا مل جاتا تو آج یہ لوگ، یہ جو سردار بنائے گئے تھے دنیا میں، یہ پیروی کرا لیتے تھے، تو کاش ایک موقع مل جاتا تو ہم دنیا میں واپس ہوتے، واپس ہو کے پھر آتے اور آ کے ہم بھی ایسی ہی بیزارگی کا اظہار کرتے جیسے آج یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بری ہیں یہ لوگ، دنیا میں جتنا پیروی کرانا تھا کرا لیے۔ یہ جو کام ہے، یہ جو تصور ہے، یہ بالکل شیطان کا ہے۔ قرآن مجید میں آیا کہ شیطان سب سے پہلے بندے کو سے کفر کراتا ہے، کفر بندے سے کفر کراتا ہے، کرا کے کہتا ہے، جب بندہ کفر کرنے لگتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں اس سے بری۔ یہ قرآن میں آیا اذ قال للانسان اکفر، وہ شیطان کہتا ہے انسان سے کہ کافر بن، کفر کر، برا کام کر، برا کام کر۔ فلما کفر، جب بندہ برا کام کر لیتا ہے، قال بری من، میں تو تجھ سے بری ہوں۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے میں بری ہوں، میں تو پاک، میں اس کام سے بری اور بیزار ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، پھر یہ بھی کہتا ہے شیطان، بندہ جب کفر کرتا ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ شیطان کی کارستانی، کفر کراتا ہے، برائیاں کراتا ہے، جب بندہ برائیوں میں ملوث ہوتا ہے تو گڈے پہ کھڑے رہ کے کہتا ہے میں تو اس سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ شیطان قسم کھا کے نکلا تھا یہ کام کرانے کے لیے۔ تو اسی کے پیچھے، اسی بات پر عمل کرتے ہوئے کفار قریش اور کفار مکہ وہ اپنے متبعین سے پیروی کراتے تھے، جو میدان محشر میں اس کا بھانڈا پھٹ جائے گا کہ وہ لوگ آپس میں جو پیروی کرتے اور کراتے تھے وہ سارے تعلقات اس کے ختم ہو جائیں۔ ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان لوگوں کو ان کے اعمال کو حسرت بنا کر دکھائے گا قیامت کے دن۔ حسرت کس کو کہتے ہیں؟ حسرت کے معنی ہے انکشاف، اصلی معنی حسرت کے معنی ہے ظاہر ہونا، کیونکہ آدمی کو حسرت اس وقت ہوتی ہے جب اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ حسرت کے معنی ہے حد سے زیادہ ندامت۔ کیا معنی ہے بولیے؟ حد سے زیادہ ندامت جو ہوتی ہے وہ حسرت۔ تو یہ ندامت بھی اچھی اور بری ہے۔ دنیا میں بندہ نادم ہو جائے، ندامت اختیار کر لے تو یہ اچھا ہے، آخرت میں ندامت آ جائے تو یہ برا ہے، کیونکہ آخرت میں نادم ہونے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ ندامت بھی کئی اعتبار کی ہوتی ہے، ایک ہے کافروں کی ندامت، دوسرا ہے مومنوں کی ندامت، مومنوں کی ندامت، تیسرا ہے اولیاء کی ندامت۔
तीन लोगों की नदामत होती है। काफिरों की नदामत यह होगी कि हम लोग दुनिया में ईमान नहीं लाए, काश ईमान ला लेते तो आज ये नौबत ना आती। ये काफिरों के अंदर नदामत होगी ईमान के बारे में। मोमिनीन के अंदर भी नदामत होगी कियामत के दिन। वो किस लिए कि हम लोग जितना नेकियां करना चाहिए था नहीं किए, काश नेकियां ज्यादा करके आते तो ज्यादा दर्जा मिलता। तो मोमिनों के अंदर भी नदामत होगी। फिर औलिया की नदामत भी होगी कि दुनिया में रहकर जितनी मुसीबतें, जितनी कुल्फतें इबादत में, मारिफत में हमारे लिए आई, रियाजतों में, काश उससे ज्यादा आ जाते तो आज अल्लाह से और करीब हो जाते। वलियों की भी नदामत होती है। तो ये जो नदामत की बात हो रही है ये काफिरों की, क्योंकि पहले से जिक्र चल रहा काफिरों का। तो अल्लाह ताला इन काफिरों को उस वक्त कियामत के दिन ऐसे माहौल में खड़ा करेगा कि इनके जितने करतूत हैं, जितने आमाल हैं दुनिया में किए हुए, वो आमाल खुद इनके लिए नदामतें बन जाएंगी, हसरतें बन जाएंगी। काफिर लोग हसरत में खड़े रहेंगे, काश ईमान ला लेते, काश नमाज पढ़ के आते, काश ईमान लाने के बाद अल्लाह की इताअत करके आते, रसूल की इताअत करके आते, तो ये नदामतों में वहाँ खड़े रहेंगे, लेकिन वहाँ की नदामतें उनको फ़ायदा देने वाली नहीं होंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला नदामत में खड़ा करके फिर वक्त आएगा, शर्मसारी में खड़ा करने के बाद वक्त आएगा जहन्नम में ढकेले जाने का। तो हसरत कैसी होगी देखिए उसका अंदाज़। रिवायत में आता है कि अहले दोज़ख को जब दोज़ख की तरफ ढकेल के ले जाया जाएगा तो ले जा के जब जहन्नम के मुंडेर पर खड़ा कर दिया जाएगा, खड़ा करने के बाद उनके जिस्म का एक हिस्सा भी ऐसा बाकी नहीं रहेगा। अभी दोज़ख में नहीं गए वो लोग, दोज़ख में नहीं गए, एक हिस्सा भी जिस्म का बाकी नहीं रहेगा, मगर उस जिस्म पर या तो सांप डसा हुआ होगा या फरिश्ते की मार पड़ी हुई होगी। ये दोज़ख में जाने से पहले का आलम, अभी दोज़ख में नहीं ढके लगा हो, उनके जिस्म के हर अज़ू पर सांप की डसने की का असर या फरिश्ते के मार का असर। फिर उसके बाद फरिश्ता उनको मारेगा, जब मारेगा तो दोज़ख में वो ढकेले जाएंगे। दोज़ख में ऊपर कट्टे पे खड़े करने के बाद मुंडेर पे जब दोज़ख में उनको ढकेला जाएगा आग में, तो 40 दिन तक जाते रहेंगे। कितने दिन तक? 40 दिन तक जाते रहेंगे, मगर दोज़ख की तह तक नहीं पहुँचेंगे। जब 40 दिन तक जलते हुए जाते रहेंगे तो फिर यकायक उनको नीचे से अंगारा उठेगा, आग का अंगारा उठेगा, फिर उनसे टच होगा, जलाएगा वो, नीचे से उठ के उनको जो उठाएगा अंगारा, फिर दोज़ख के मुंडेर पे आएंगे, दोज़ख के मुंडेर पे आएंगे, फिर फरिश्ता ऊपर से मारेगा, तो 40 दिन तक नीचे जाएंगे। यही कैफियत में वो मुब्तला कर दिए जाएंगे। इसी कश्मकश में जब उनके जिस्म मुकम्मल तौर पे जल के खाकिस्तर होंगे तो अल्लाह तबारक व ताला उनके जिस्मों को पहले की तरह बहाल कर देगा ताकि अदाब और मुसलसल चलता रहे। जब बहाल कर देगा, कुरान में भी आया इसका जिक्र कि अल्लाह ताला ने फरमाया हम उनके जिल्दों को बदलते रहेंगे, बार बार फिर पहले की जिस्म के कैफियत में लाएंगे। वहाँ ऐसी बात नहीं है कि एक मर्तबा हाथ पे मार पड़ा, हाथ कट गया तो मार ख़त्म, नहीं, दोबारा फिर हाथ लगाया जाएगा, फिर मारा जाएगा, यह अज़ाब मुसलसल रहेगा। फिर अल्लाह ने आगे बयान फरमाया क्योंकि ये हद दर्जे कुफ्र में रहने वाले लोग हैं, ये बदबख्ती में रहने वाले लोग हैं, वमा हम बिखारिजीना मिनन नार, ये दोज़ख से भी निकलने वाले नहीं हैं, हमेशा अज़ाब में रहेंगे, हसरत में रहेंगे। ये हसरत में उलट पुलट इनको करता जाएगा। फिर उसके बाद जब इसी कश्मकश में प्यास लगेगी, प्यास लगने पर ये पानी तलब करेंगे, तो रिवायत में आता है पानी जब तलब किया जाएगा तो फयुक्ता बिल हमीम, खौलता हुआ पीप लाया जाएगा। ये हसरत
इस वक्त कितनी हसरत होगी, कितनी शर्मिंदगी होगी, कितना अफसोस करता हुआ होगा बंदा कि काश दुनिया में मान के आते। तो पीप लाया जाएगा खोलता हुआ। अच्छा, वो दोज़खी पीप नहीं पिएगा, पीप लाया जाएगा। रिवायत में आता है फैदा दना मिन वजही ही सकता वजहू, पीप खोलता हुआ होगा, इतनी गर्मी और तपिश होगी, सिर्फ उसके चेहरे से खरीब होगा पीप तो सारा चेहरा जल के उसके लोथड़े निकल जाएंगे। जिस चेहरे को पी नहीं सकेगा, मुंह में ले जाना कि दूध खरीब हुआ, भाप से सारा चेहरे का गोश्त गोश्त निकल जाएगा। जब ये होगा सुम्मा यदखुलु फीफी, जबरदस्ती फरिश्ते उसके मुंह में वो खोलता हुआ पीप डालेंगे। डालने के बाद फतस खतु अजरासुहु, तो उसके डाढ़ गिर जाएंगे गर्म से। सुम्मा यदखुलु बतनहु, फिर वो जो पीप है वो उसके पेट में दाखिल होगा। जब दाखिल होगा फयुकत्तियु अमआहु, तो उसकी आंतों के टुकड़े करते हुए बाहर निकलेगा वो पीप। फिर उसके बाद उसके पूरे जिस्म को सड़ा के रख देगा, ख़त्म करेगा। वहा कदा युअज़्ज़बूना फिन्नार, इसी तरह मुसलसल उनको अदाब में रखा जाएगा। ला यमूतूना फीहा वला यहयून, न मरेंगे न जिएंगे न निकलेंगे, हमेशा उसी में रहेंगे ये कुफ्फार। वमा हुम बिखारिजीना मिनन्नार, दोज़ख से निकलने वाले नहीं हैं। हर वक्त उनको अफसोस होगा, हर वक्त हसरत होगी, हर वक्त नदामत होगी, हर वक्त शर्मिंदगी होगी, हर लम्हा अपने आप को कोसते रहेंगे। लेकिन आना तो है नहीं, वापसी नहीं है। दोस्तों, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया कि आज हम यहाँ हैं, दुनिया में हैं, अभी वहाँ जाके अफसोस करने का वक्त नहीं है। तो जितना हमको अफसोस करना है यहाँ की ज़िंदगी में अफसोस करना है, यहाँ जितना अपने आप पे अफसोस करेंगे उतना ज़्यादा गुनाह धुलेंगे और मर्तबे बढ़ेंगे। वहाँ की शर्मिंदगी अजाब है, यहाँ की शर्मिंदगी तौबा है। हदीस शरीफ में आया कि अन्नदु तौबतुन, दुनिया में रहकर जीते जी जो बंदा नादिम होता है वही सच्चा ताइब हो जाता है। नदामत यहां करने का है, नदामत का मुकाम दुनिया है, हसरत का मुकाम दुनिया है। यहां नदामत करें कि काश कल की रात अच्छी गुजरती तो कितना अच्छा होता, काश दुनिया में नाफरमानी ना होती तो कितना अच्छा होता, काश हमारी जुबान से अभी जो गाली निकली वो गाली ना निकलती तो कितना अच्छा होता, काश हमसे धोखेबाजी ना होती तो कितना अच्छा होता, काश नमाजें ना छूटती कितना अच्छा होता। यहां जब अफसोस करेंगे तो अमल करने का वक्त है, तौबा करने का वक्त है। यहां की नदामत, यहां की हसरत फायदा मंद होगी, बंदे को जहन्नम के डगर से निकाल कर जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाएगी। तो लिहाजा हमें चाहिए कि यहाँ नदामत इख्तियार करें, हर कदम पे नादिम हो, हर कदम पे हसरत हो, हर लम्हा तौबा हो, हर लम्हा तौबा हो। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिनका यौम मुबारक भी आने वाला है, तो आप फरमाते हैं कि बंदे के लिए लाजिम है कि इबादत बाद में करे, तौबा पहले करे। ये इमाम जाफर सादिक का इरशाद है, कोई छोटे मोटे आदमी का नहीं, ये इमाम जाफर सादिक का, वो इमाम जाफर सादिक जो फरजंद रसूल हैं, वो इमाम जाफर सादिक जो अहले बैत अतहार की का फख्र हैं, वो इमाम जाफर सादिक जिनकी निगाह पड़ी तो अबू हनीफा से इमाम आजम बन गए, वो इमाम जाफर सादिक के जिनकी जूतियां सीधा करने पर हजरत सुफियान सोरी को अल्लाह तबारक व ताला विलायत का ताजदार भी बनाया और हदीसों का इमाम भी बनाया। ये इमाम जाफर सादिक की ज़ात है। वो फरमाते हैं कि बंदे के लिए लाजिम है कि इबादत बाद में करे, तौबा पहले करे। लोगों ने पूछा, सरकार ये अजीब बात है, हम अब तक ऐसे अमल कर रहे थे बेशूरी में कि इबादत करके तौबा करते थे, लेकिन आप फरमा रहे हैं इबादत बाद में है, तौबा पहले। तो लोग ज़रा कश्मकश में मुब्तला हो गए
ये इमाम जाफर सादिक हैं। ये जो इमाम हैं ये ऐसी अदीमुल मर्तबा शख्सियत है कि जब ये घर में आँख खोले पैदा हुए तो दरो दीवार में इल्म और हिकमत का नूर देखे। इनके इल्म और हिकमत को कोई पहुँच नहीं सकता। तो वो फरमाते हैं आप लोग कश्मकश में मेरे बात पर। तो लोगों ने कहा, अर्ज़ किया, सरकार हाँ इबादत पहले तौबा बाद में, हम ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन आप फरमा रहे हैं नहीं, तौबा पहले है इबादत बाद में है। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मियाँ इस पे ताज्जुब करने की क्या बात है, मेरी जो बात है ये कुरान से साबित है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, मेरी बात कुरान से साबित है क्योंकि कुरान मजीद के अंदर तौबा का जिक्र पहले आया, इबादत का जिक्र बाद में आया। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया, अत्ताइबूनल आबिदूना। अल्लाह फरमाता है अत्ताइबूनल आबिदून, तौबा करने वाले बाद में इबादत करने वाले बने। तौबा पहले है इबादत बाद में, फिर भी समझ में नहीं आया। तौबा पहले है इबादत बाद में, ठीक है कुरान का हुक्म है मान लेंगे, लेकिन फ़ायदा क्या है, सही ढंग ये क्यों है? इसलिए है, एक बात बताइए कि इबादत क्या चीज़ है? भाई इबादत एक नूर का नाम है, भाई इबादत एक जीनत का नाम है, भाई इबादत एक जेवर का नाम है। तो जीनत वही अच्छी होती है जबकि गंदगी दूर करके चढ़ाई गई हो। जेवर वही अच्छा लगता है जो गंदगी और कसाफत दूर करके जेवर चढ़ाया गया हो। तो जब तक जंग दूर नहीं होगा, जंग दूर नहीं होगा, चांदी का वर्क चढ़ाया जाए तो फायदा नहीं होगा। जंग दूर करना पहले है। तो जंग दूर तौबा से होता है। जब बंदा तौबा करके अपने दिल के जंग को दूर करेगा, उसके बाद मुसल्ले पे खड़े रहकर इबादत शुरू करेगा, वो इबादत अल्लाह का खुर्ब हासिल कराएगी। तो ये रास्ता इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला कहने का। तो लिहाजा ये जो तौबा है, नदामत है, ये दुनिया में करना है जीते जी। हर कदम पे तौबा, रात में तौबा, दिन में तौबा, सुबह उठें तौबा, शाम में जागें तौबा, मुलाजमत में है तौबा, जब मौका मिले हसरत तौबा, हसरत तौबा। जब बंदा इसको इख्तियार करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ की बंदे की नदामत को कबूल फरमाएगा, फिर आगे नेकियाँ करने का हौसला अता फरमाएगा। यही इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अपने कौल में फरमाते हैं, ताखीरु तौबती इग्तिरारुन। आप फरमाते हैं कि तौबा में ताखीर करना, कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, कोई अभी तो जवान हूँ, बुढ़ापे में करूँगा तौबा, तो ये जो ताखीर करना, तौबा में टाल मटोल करना, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि ये किस्म का धोखा है। तौबा में ताखीर करना धोखा है, क्योंकि तुझे कैसे मालूम कि मौत का परवाना कब आएगा, मौत कब आएगी? तो हमें चाहिए कि तौबा करें। हमारे दिल के अंदर जहन में एक ख्याल आता है जिसकी वजह से हम तौबा फौरी करने से रुकते हैं। वो क्या ख्याल आता है, भाई आज गुनाह हुए हुए तो अब हमारी अपनी तबीयत के एतबार से कल भी होंगे, कल भी गुनाहों में पड़ने का खदशा है, तो लिहाजा आज तौबा करेंगे तो फिर कल के गुनाह वैसे रहेंगे। तो अमदन ऐसा गुनाह करना नहीं है, लेकिन गुनाहों में पड़ने का खदशा रहता है, ये ख्याल सताता है। आज तौबा करेंगे, सुबह में कुछ गुनाह हो गया, कल सूरज निकलने के बाद या कल के दिन या परसों, तो तौबा तो पहले हो गई, गुनाह तो बाद में हो गए, लिहाजा वो पूरे होने के बाद तौबा करें, ये हमारा ख्याल रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें तौबा मुसलसल चलना है। आज गुनाह सरजद हो गए तो आज तौबा करें, कल होंगे तो कल तौबा करना, कल फिर तौबा होगी, मगर तौबा को आड़ बनाकर गुनाह करना नहीं है। तौबा को आड़ बनाकर गुनाह करने के तसव्वुर में तौबा करते जाना, यह हकीकत में तौबा ही नहीं है। तौबा नहीं होती है, तौबा सच्ची होनी है। तो हसरत का नाम तौबा है, नदामत का नाम तौबा है। काफिर लोग आखिरत में नदामत करेंगे जो काम नहीं आएगी। मोमिन लोगों की शान यह है
कि वो दुनिया में नदामत करते हैं, दुनिया में नादिम हो जाते हैं, दुनिया में नादिम हो जाते हैं, फिर इससे आजिज़ी इनके सारी पैदा हो जाती है, बंदे के अंदर हमेशा शर्मिंदगी आ जाती है, दूसरों के ऊपर अपने आप को बड़ा नहीं समझता बंदा, अपने आप को हकीर समझने का तस्वीर पैदा हो जाता है। दुनिया में अगर नदामत आ गई तो दूसरे से भी अपने आप को हकीर समझता है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला ने इतनी बड़ी शख्सियत, भाई इतनी बड़ी शख्सियत कि जो ज़ुबान से कहते थे अल्लाह ताला कबूल फरमाता था, जो ज़ुबान से अदा होता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो पूरा फरमाता था, बहुत महबूब बंदे थे। तो उनके बारे में आया कि एक मरतबा वो रोते हुए अपने घर के सारे ग़ुलामों को जमा होने का हुक्म दिए, क्या है बच्चों सब जमा हो जाओ, रो रहे थे। तो सब जमा हो गए ग़ुलाम खादिम लोग, तो जब जमा हो गए तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ज़रा करीब आ जाओ, करीब आ गए। सबसे आपने फरमाया कि सब अपने अपने हाथों को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लिए। फिर इमाम जाफ़र सादिक़ भी सबके हाथों को पकड़ लिए, भाई इतनी बड़ी शख्सियत कि जिनकी तालीमात से लोगों को जन्नत मिले, जिनकी इल्म व हिकमत के नूर से इमाम आज़म को इमामत मिले, वलियों को विलायत मिले, वो शख्सियत कहने लगी ग़ुलामों और खादिमों के हाथों को पकड़ कर कि एक बात है, वादा करो। तो ग़ुलामों ने कहा क्या वादा है सरकार? तो आपने इरशाद फरमाया क़ियामत के दिन अगर तुम लोग बख्शे जाएं तो साथ में मुझे भी ले जाना। मेरे अंदर कोई ऐसे अमाल नहीं है। ग़ुलामों ने अर्ज़ किया सरकार आप फरजंदे रसूल हैं, आप इमाम वक्त हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन आपकी गली के चक्कर लगाते हैं, तो आप ऐसा फरमा रहे? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तौबा और नदामत का इज़हार करते हुए फरमाया नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपने लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर आपने फरमाया क़ियामत के दिन अगर मेरे नाना जान सय्यदुल मुरसलीन ताजदार अम्बिया सरकार मदीना मुझे अपने सामने खड़ा कर कर पूछें कि बेटा तुमने मेरी इत्तेबा का हक़ अदा क्यों नहीं किया, तो उस वक्त मैं जवाब क्या दूँ, मैं जवाब क्या दूँ, तो इस शर्मिंदगी में रहता हूँ, तो ज़रा बख्शे जाएं तुम लोग तो मुझे भी साथ में ले जाना, ये वादा करो। और ग़ुलामों को उस वक्त तक आपने नहीं छोड़ा ग़ुलामों के हाथ को जब तक कि वो वादा कबूल नहीं किया। तो ये बड़े लोग जो होते थे वो दुनिया में ही शर्मसारी का इजहार करते थे, दिल में शर्मसारी होती थी कि अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं, तो वहाँ शर्मिंदगी, वहाँ खड़े होकर शर्मिंदगी होना ही होना है, वहाँ तो हर एक शर्मिंदा होने वाला है, बेहतर यह है कि यहाँ खड़े रहकर शर्मिंदगी का इजहार किया जाए, शर्मिंदगी का एहसास पैदा किया जाए, तो ये काम की चीज़ है, जहन्नम में ढकेला जाएगा। फिर उसके बाद उनके साथ वैसे ही मामला क़ियामत तक हमेशा के लिए किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी तरफ जो नेक बंदों की इत्तेबा करने वाले लोग होते हैं तो उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होगा। फिर उनकी बात सुनकर जो बंदे अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो रब्बे क़दीर उन लोगों का ऊपर ये लुत्फ़ करम क़ियामत के दिन फरमाएगा कि 15वें पारे में आया सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है क़ियामत के दिन अच्छे लोगों की पैरवी करने वालों की खिस्मत इतनी जगा देगा कि अल्लाह फरमाता है 15वें पारे में यौम नदउ कुल्ला उनासिम बीमामिम, हम क़ियामत के दिन लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। किसके साथ बुलाएंगे? ये कहानी नहीं, ये कुरान है, सूरह बनी इसराइल 15वां पारा है, 8वें रुकू की पहली आयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बीमामिम, हम क़ियामत के दिन लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम के साथ क्यों बुलाएंगे? आवाज देकर, इसलिए कि क्योंकि वो जिनकी इत्तेबा कर रहे थे, जिस इमाम के पीछे चल रहे थे, उस इमाम का जो हश्र होगा वही हश्र पैरवी करने वालों का साथ करेगा।
वही हश्र उनके साथ होगा। तो इमाम जन्नती, पैरवी करने वाले भी जन्नती। तो आज लोग कहते हैं इमाम की क्या जरूरत, कुरान कहता है इमाम की जरूरत क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला रब क़ियामत के दिन भी लोगों को, तबकों को, कौमों को उनके इमाम के साथ बुलाए, इमाम के साथ बुलाएगा, पेशवा के साथ बुलाएगा। वो अच्छे पेशवा मुराद हैं। तो बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोगों के साथ जब हम रहेंगे तो हमारा हश्र, हमारा मामला अच्छा होगा। बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।